हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ टीचर्स 111. कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे. फ्रेंड्स, आज मैं करने जा रही हूँ रीडिंग टॉरस राशि की और बताने की कोशिश करूँगी कि कैसा रहने वाला है वृषभ राशि वालों के लिए ये आने वाला हफ्ता. क्या बदलाव आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं या क्या गाइडेंस है जो यूनिवर्स आपको देना चाहती है. रीडिंग शुरू करने से पहले बता देना चाहती हूँ, जनरल रीडिंग है. जितना आपसे रेजोनेट करती है उतना आप रख सकते हैं, बाकी जाने दे सकते हैं. और जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग और देखते हैं कि वृषभ राशि यानी कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है ये आने वाला हफ्ता. चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है. ओ वाओ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स. फ्रेंड्स, आपको अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. आप क्या बोल रहे हैं, आपके बोलने से क्या असर लोगों पर पड़ रहा है, क्या वो असर सही पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है. कई समय ऐसा होता है ना कि हम अपनी बातों से लोगों को काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर देते हैं. हमारा इंटेंशन गलत नहीं होता, बट जिस तरीके से हम बात करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं सामने वाले को हो सकता है चोट पहुंचाती हो. तो ये कार्ड कहीं ना कहीं मुझे ये बता रहा है कि अपने कम्युनिकेशन पर आपको थोड़ी कंट्रोल करने की ज़रूरत है. आप एटलीस्ट अपनी भाषा का प्रयोग सही करें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कम्युनिकेशन से कोई हर्ट हो सकता है. तो आपको यही कहा जा रहा है कि अपनी कम्युनिकेशन को जो है कहीं ना कहीं सही रखने की कोशिश करें. मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि जिन लोगों से आपको परेशानी होती है, जिन लोगों से आपको तकलीफ होती है, या जो लोग कहीं ना कहीं आपको हर्ट करते हैं या फिर आपके जोन में नहीं आते, आप जैसे वो जोन में नहीं आते, आप उन पर्सन को अपनी ज़िंदगी से जो है थोड़ा दूर करने वाले हो. कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा बॉदर करते हैं, तो ये बॉदर की एनर्जी से भी मुझे आप बाहर आते हुए नज़र आ रहे हो. ये कार्ड मुझे कहीं ना कहीं ये भी मैसेज दे रहा है आपके लिए कि आप अपना स्टैंड तो लोगे, अपना स्टैंड आप कुछ चीज़ों में डेफिनेटली लेने वाले हो. ये मुझे पर्सनल स्पेस पे ही दिख रहा है कि आप अपना स्टैंड तो डेफिनेटली लोगे, बट कहीं ना कहीं जो है एक सेफ्टी बाउंड्री भी सेट करने वाले हो कि कौन है जो आपसे बात करेगा और कौन नहीं करेगा, क्योंकि आप हर इंसान को अब अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देने वाले हो. यस, नाइन ऑफ वॉन्ड्स. ऑब्स्टेकल्स तो हैं आपके लाइफ में, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे ये भी कहना चाहती है कि ऑब्स्टेकल्स से आगे बढ़ने का, यानी कि ऑब्स्टेकल को फेस करने का सबसे आसान तरीका है कि आप उसको फेस करें. तो आपके लाइफ में इस वीक में जो है कई ऑब्स्टेकल्स जो हैं, जो मुझे लग रहा है ऑलरेडी है, उसको लेकर कहीं ना कहीं आप वर्ड है, चाहे आपका वर्क लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, जो भी आपसे जुड़े हुए लोग हैं उनसे रिलेटेड लाइफ हो, तो यूनिवर्स आपसे कहीं ना कहीं ये कहना चाहती है कि अपने स्टैंड योर ग्राउंड, अपने लक्ष्य से ना हटे. ऑब्स्टेकल्स तो आएंगे ही, वो सबके ज़िंदगी में आते हैं, बट हार मानने से कभी चीज़ें आगे नहीं बढ़ती. तो आपको यही बोला जा रहा है कि आगे बढ़ते रहे. वाओ, कोई एरीज लियो सैजिटेरियस पर्सन हो सकते हैं जिनके प्रति आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है. कुछ लोग हो सकता है इस पर्सन को जानते हो, कुछ लोग हो सकता है नहीं जानते हो, कुछ लोगों के लिए नया कनेक्शन भी हो सकता है. तो दो दो क्वीन के कार्ड्स आए हैं, तो दोनों ही कार्ड देखिए बिल्कुल अपोजिट है. एक कार्ड जो है वो बताता है कि आप किस तरीके से पेश आए, किस तरीके से अपनी बातों को करें, किस तरीके से अपने मैसेज को जो है लोगों को स्प्रेड करें. और ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है इन्जॉयमेंट की, ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है अट्रैक्शन की, सेल्फ लव की. तो आपको इस पोजीशन में आने की ज़रूरत है. आप क्या बोल रहे हो
उस पर ध्यान देना है और आप कैसे प्रेजेंट हो रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये कुछ लोगों के लिए तो उनके पर्सनल हीलिंग के लिए ये कार्ड है कि आप अपने आप को कैसे हील कर रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं मुझे सेल्फ लव का भी वीक लग रहा है। मुझे लग रहा है कि आप अपने आप पर ज़्यादा ध्यान देने वाले हो। आपको किस पर खुशी होती है, आप कौन सा काम करते हो जिसमें आपको अच्छा लगता है, उस पर आप ध्यान देने की ज़्यादा कोशिश करोगे। ऑब्स्टिकल्स आते हैं फ्रेंड्स, ऑब्स्टिकल्स आते जाते रहते हैं, बट आपको उनसे हार नहीं मानना है बल्कि उनको लेकर जो है आगे बढ़ना है। वाओ, वी हैव 2-9। सो यस, मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई विश आपकी हो सकती है जो काफ़ी लंबे समय से आपके जहन में है। ये विश कहीं ना कहीं आपकी फुलफिल हो सकती है। ये आपकी वर्क लाइफ को लेकर हो सकता है कि कोई टारगेट हो जो आपने अचीव की हो और उसकी खुशी आप मुझे सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है या फिर आपके बिजनेस का कोई ऐसा टारगेट हो सकता है जो आपने काफ़ी लंबे समय से सेट किया हुआ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको आप कहीं ना कहीं फुलफ़िल करने वाले हो। तो ये भी काफ़ी 9 की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, क्वींस की एनर्जी आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि आपको ग्राउंडेड भी थोड़ा रहने की ज़रूरत है क्योंकि ये टाइम है आपके ग्रोथ का, ये टाइम है कहीं ना कहीं आपके आगे बढ़ने का। तो आपका जो फोकस है इस हफ्ते पूरा का पूरा आपका फोकस अपने आप पर ही रहेगा। और मुझे ये भी आपके लिए मैसेज नज़र आ रहा है कि आप शाइन करने वाले। द डेविल, यस। सो मुझे डेविल कार्ड से आपके लिए ये मैसेज नज़र आ रहा है कि यस, किसी के साथ आपका कनेक्शन जो है वो मुझे जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस पर्सन के साथ हो सकता है आप रिलेशनशिप में ना हो, बट इस पर्सन को आप रैंडमली जानते हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन को आप जानते हो, इनके साथ आपकी कम्युनिकेशन होती है, हो सकता है आपके फ्रेंड ऑफ फ्रेंड हो। बट मुझे ये भी लग रहा है ना कि ये अचानक से इस पर्सन के प्रति ना आपकी फीलिंग जो है डेवलप हो सकती है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को लेकर आपके थॉट्स जो है वो फिर से फिर से आ सकते हैं आपको लेकर इस। और अगर कुछ लोग किसी कनेक्शन में नहीं है, किसी कनेक्शन का वेट कर रहे, तो मुझे लग रहा है कि एक पैशनेट सा कनेक्शन जिसके प्रति आपका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो, ऐसे पर्सन के भी साथ आप जुड़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। यस, क्वीन ऑफ कप्स। सो आज 3-3 क्वीन आई है, वाओ फ्रेंड्स। तो यस, ये डेफिनेटली बताता है सेल्फ लव को लेकर। तो मैं सेल्फ लव की ही बात कर रही थी कि आपको कैसे बोलना है, कैसे प्रेजेंट होना है, और यहाँ पे आ ही गया है ओवरऑल एनर्जी का कार्ड। तो यस, काफ़ी पावरफुल वीक है आपके लिए वृषभ राशि वालों। ये वीक जो है कहीं ना कहीं सेल्फ पैम्परिंग की वीक है। ये वीक जो है किसी को कुछ देने से अच्छा है कि आप अपने आप को वो सारी चीज़ दें जो आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो, जैसे कि हो गया प्यार, पैम्परिंग, सेल्फ केयर, ये आप दूसरों को बहुत ज़्यादा देते हो। तो ये भी कहीं ना कहीं बात करती है कि आप अपने आप पर फोकस कीजिए, बाकी सारी चीज़ें अपने आप आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएंगी। वाव, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जुड़ सकता है, जिनके साथ हो सकता है आपकी अगर बॉन्डिंग अच्छी हो, क्योंकि मैं सभी के लिए तो ये नहीं बोल सकती। तो यस, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ आप जुड़ने वाले हो, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी होने वाली है, और आगे जाकर कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ आप एक नई ज़िंदगी की भी शुरुआत कर सकते हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि यस, किसी की शादी है जिसको आप अटेंड करने वाले हो, वहाँ भी कोई आपको एक ऐसा कनेक्शन मिल सकता है जैसे कनेक्शन की आप तलाश करते हो, जैसा कनेक्शन आप एक्चुअली अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करते हो। तो कुछ लोगों के लिए तो नया लव आ रहा है, कुछ लोगों के लिए सेल्फ लव आ रहा है। तो काफ़ी एम्पावरिंग वीक है आपके लिए। चलिए देखते हैं कि यूनिकॉर्न्स क्या कहते हैं। हेल्प, यहाँ पे है नंबर 12, द हेल्प यू नीड इज़ ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग फॉर इट। तो यस, आपके लिए हेल्प तो आ रहा है। कहीं भी अगर आपको किसी भी चीज़ में मुसीबत होती है तो आपके लिए यूनिवर्स जो है हेल्प भेज रही है। फेदर, दिस कॉलिंग कार्ड फ्रॉम द यूनिकॉर्न्स टेल्स यू दे आर नियर यू। तो यस, यूनिकॉर्न्स है आपके साथ, यूनिकॉर्न्स की ब्लेसिंग है आपके साथ, तो आपको किसी भी तरीके की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इस हफ्ते। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर।